हो चुका है गंदा। हम एक दूसरे से बहुत इज्जत से बात कर रहे हैं एकदम। तुमने तुम्हारे चक्कर में इधर आई हूं मैं, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। स्टार्टिंग विद द सेकंड डे, आज हमें वहाँ पहुँचना है। रंजीत भाई है ये सामने, साथ में आज फिर श्रेया ने जूते अलग पहले, कल वाले जूते में पूरे पैर घिस गए थे श्रेया के। आज का स्टार्टिंग थोड़ा अलग। चेयर्स है कितने हैं 200 और अभी हम कितना चढ़े होंगे 50। चेयर्स के बाद फिर जंगल शुरू होगा ना। रंजीत भाई इतने इनोसेंट है, जैसे ही कैमरा आता है सीधा हाई कर देते हैं। सही है, सीढ़ियों में ज्यादा थकते हैं ना वैसे। दोस्तों ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये रंजीत भाई ने मेरे को बताया ये अभी 15 दिन पहले कटा रास्ता पूरा ना, बन रहा 3-4 साल से। हाँ JCB खड़ी है इधर ही, और ये 10-15 दिन पहले यह गाड़ी देखो पहली पहुंची है। सब कुछ पैदल आता था। खाने के लिए राशन चावल लेके आना। अच्छा, हम अपने बचपन में 5वीं क्लास से कॉलेज टाइम तक पैदल ही चले। अच्छा था, बहुत अच्छा था। पर धीरे धीरे अभी सही है ना, थोड़ा सहूलियत वगैरह हो जाएगी। यहाँ भी बन जाएंगे देखना अगले 10 साल में कैंप। ताजा कटे पहाड़ है, अगर इधर से देखो ना। तुझे तो कूदना पड़ रहा है, तो आपको कूदना ही पड़ रहा था। हाँ बहुत ज्यादा है ना, दीवार ही है एक तरीके से। श्रेया मजा आ रहा है, गाल लाल हो गए। और ये इस बार वो नहीं सो टेंट से जो लगाती है, ये असली में हुए हैं। अननोन रास्ता ही लग रहा है, अभी तक कोई भी नहीं मिला। ये ट्रैक हमें भी नहीं पता कौन सी ट्रैक है। अरे यहाँ अकेले मत आना, यहाँ अगर आओ तो किसी गाइड के साथ ही आना। बहुत रिस्की है ना, रास्ते का पता ही नहीं चलेगा। हाँ रास्ते का नहीं पता चलेगा। फुल पावर एडवेंचरस, फुल 1 घंटा भी नहीं चढ़े शायद, पूरा वो हो गया पसीना पसीना एकदम। ऐसे जा रहा है पूरा। डिस्टेंस वाइज कम है लेकिन खतरनाक है। अभी मैं और आधा और बचा करीब। अभी चिलिंग विद भालू ओवर हियर। मस्त, हमें पूरे रास्ते हमारे साथ ट्रैक करते करते आया है भाई। बड़ी मुश्किल से चारों को फ्रेम में लिया। 4 बंदे आज इस पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं बस। हम चाह रहे हैं। बादल आ गया एक्चुअली, पर फिर भी अच्छा लग रहा है बहुत। नहीं होता वरना पूरा क्लीन होता ना। ये छोटा सा इधर हल्का सा बनाया है पॉन्ड टाइप, जंगली जानवर लोगों के लिए। सांप भी हो सकता है इसमें? नहीं तो चलो फिर यहाँ से। सांप से नहीं मिलना है यार मुझे, कितना नहीं चल सकता फोन पर। कई कई जगह पे इतना पतला पतला ट्रेल है कि नीचे ये पेड़ वेड़ काफी, खैर काफी है। दिस इज द लास्ट ट्रेल, यहाँ से सीधा तर 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 चढ़ना है। इसके बाद 30 मिनट्स जंगल ही जंगल। ये थोड़ी थकते हैं, ये तो थक ही नहीं रहे जानवर, तो नेचुरली ऊपर आ गए। हम तो आए नेचुरली, थक रहे हैं ना धड़ाधड़। अभी हम चलते रहते तो हमारे साथ चलता रहता। ये बोल रहा है मुझे रेस्ट दो, तो सीधा उसको बोलना नहीं आता ना, उसको लैंग्वेज नहीं आती। हाँ तो ले भी कहाँ रहा है रेस्ट। हाँ वैसे पहाड़ी कुत्ते इसलिए, हमारे वाले लेट जाए। अरे दिस इज द रिमेनिंग ट्रेल श्याम। हाँ वहाँ से आए हम, वहाँ से हम पहुँच गए दोस्तों इधर। अभी थोड़ा सा और आगे ऊपर चढ़ना है। ऊपर चढ़ पाए वो टॉप पे तो नहीं जाना ना, हम एकदम वन ऑफ दोज प्लेसेस। हाँ चढ़ तो जाओ, पर चढ़ते टाइम ये समझ नहीं आ रहा उतरेंगे कैसे, है ना। उतर जाएंगे यहाँ से आराम से। हल्के हल्के बादल लग रहा है, छठे हैं अभी तो। ये देखो मस्त है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। हैं मेरे लिए यहीं से तोड़ रहे हैं, बहुत है। हाँ चलो आओ, चलो ऊपर चलना है। आप वो वाला एफर्ट कर लो ऊपर चढ़ने वाला, जल्दी थोड़ा। मेरी तो फट रही है थोड़ी थोड़ी अब, पर कोई बात नहीं, डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू लाया न्यू लुक हु इज हियर टू वेलकम अस। और इकट्ठे हो गए आ जाए। वाह यार, मैं दोस्तों व्यूज नहीं दिखा, इट्स ओके ना देखो तो ये अच्छा है। मिस्ट बहुत ज़्यादा है, बादल आ रखे हैं, वरना ज़बरदस्त चीज़ है ये जहाँ हम पहुँचे हैं आज। जिसमें चूल्हा थोड़ी वही पहुँचेगा दोस्ते। अंकल हाँ क्या हुआ, कुत्ते से डरते हैं? कभी नहीं देखा कुत्ता, 2-3 महीने से नहीं देखा होगा। नॉट इवन 1% इज बीइंग कैप्चर्ड इन देयर। वाह यार, वो ऊपर एक्चुअली मंदिर है छोटा सा, उधर जाना है। ये रहा दैट्स द हाईएस्ट पॉइंट। काफी ऊपर आ गए। सब रिलैक्स कर, मस्त नीचे से आए हमारे साथ। और वो मंदिर। नीत भाई कह रहे देखो जो भी आना वैसे बंदे आना कि जिनको नेचर थोड़ा पसंद हो, पार्टी वाले ज्यादा नहीं। ऐसी बात है, अगर जो लोग नेचर को पसंद करेंगे ना, जिनको नॉलेज है नेचर का, और जब ट्रैक करते हैं तो एक होता है व्यू देखने के लिए आते हैं, कई लोगों को होता है कि ट्रैक करके अपने आप को देखना कि क्या कितना की कर सकते हैं, वो इंटरेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर आके व्यू नहीं दिखा या दिख गया तो ठीक है, कईयों को तो व्यू देखने के बाद भी पता नहीं चलता, उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ क्या है। मतलब कितने भी जन्नत बता दो, उनका ये होता कि इधर क्या है, इधर तो लोग ही नहीं है, भीड़ ही नहीं है, पार्टी वाला माहौल ही नहीं है। वो ऐसा नहीं, एक मतलब नेचर को हार्ट डीपेस्ट मतलब फीलिंग से सोचने वाला बंदा होना चाहिए बस में। और आज पूरा ही कवर है, मतलब नीचे बहुत सुंदर व्यू है, बादल ही बादल हो रहे हैं। कोई आए यहाँ पे इन्हीं पे चढ़ जा रहे हैं, व्यू का है तो ये थोड़ी ना हवा मार के हटाएंगे। ये तो नेचुरल नीचे से ऊपर आना, ये बहुत सही था, एकदम पतली पतली पगडंडी से आओगे, शेफर्ड रूट है मेन। तुझे पता है वो भी मंदिर ये सब जितने जैसे वैष्णो देवी हो गए ये सब क्यों ऊपर होते हैं? ताकि जैसे लोग ट्रैक करके ऊपर आए ना, काफी पॉजिटिव एनर्जी आती है ना जब आप ट्रैक, तो जब आप भगवान के वहाँ पे जाओ तो यू शुड गो विद पॉजिटिविटी। इसीलिए जितने भी मंदिर खुश हो जाता है इतना ऊपर चढ़ने के बाद, एक वो डोपामिन रिलीज हो जाता है ना। इतने भी पुराने मंदिर जो भी देखेगा ना माउंटेन्स पे होते हैं, या फिर नॉर्मली भी जैसे कहीं पे अगर तू देखेगा तो थोड़ा सीढ़ी पे चढ़ के खूब बनाते हैं। महाराष्ट्र में भी एक दो मंदिर जैसे खूब सारी सीढ़ियाँ चढ़ो, उसके बाद मंदिर आएगा, सो दैट यू नो यू फील गुड, थोड़ा मेडिटेटिव लगता है ना। स्टार्टिंग डिसेंट दोस्तों, यार कुत्ते खाते पूरी हलचल। बाय बडीज, टाटा, चलो चलो चलो। मजा आ गया श्रेया, बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस, वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। आज तो कोई भी नहीं है, नींद भी बता रहा था, कह रहा 2 हफ्ते पहले किसी को लेकर गया, मैं तो फट गई थी भाई, मेरी थोड़ा एक स्ट्रेच आया था, पूरा ही नीचे दिख रहा था। आपकी नहीं फटी ना? अरे ये शेर है एकदम, मेरी पट लेती। और रंजीत भाई आगे गए और हमें कहते तुम इधर से मत आओ, तुम उधर से हो। मैंने कहा उधर से क्यों नहीं आया, ऐसा क्या है उधर? मतलब इस एरिया में कुछ तो है भसड़। हाँ, गिरने के चांसेस थे ना। मम्मी देख रही होंगी ये व्लॉग। और रंजीत भाई सब्जी शॉपिंग पे निकली है, देखो ये शाम के लिए सब्जी इकट्ठी हो रही है, ये मस्त तरीका यार, वे ऑफ लाइफ। नीश्रेया यहाँ देखो, जब देखो उठ करके मॉल निकल ले कौन सा। अच्छा हम भी वहाँ पे उड़ीसा में पता है ऐसे तोड़ तोड़ के खाते हैं। हाँ? ये देखो जब देखो मॉल, कौन से मॉल, मॉडर्न बाजार, सारे ग्रीन, असली ग्रीन यहीं पे मिल रहे हैं। क्या क्या है इसमें? ग्रीन वेजिटेबल्स है सर। डिनर हो गया आज का? डिनर करेंगे शाम को। कितना रुपए किलो? 80 रुपए किलो। एवरीथिंग योर ओन, जस्ट दैट यू हैव टू ट्रैक एंड यू हैव टू बी फिट। ओए तू और आजा भाई, बहुत ही बढ़िया सीन है भाई, थोड़ा डिफिकल्ट है वाला उतरना और ज्यादा, क्योंकि पैरों पे बहुत ज़्यादा वेट आता है। जंगल में ट्रैक करने के बाद इन्हें तर बतर जूता होता उतार करके श्रेया शर्मा, रंजीत भाई को फोटो खिंचाने में बहुत मजा आ रहा है इस टाइम। थैंक यू। कुछ नहीं है, जंगल है, कोई व्यू कुछ नहीं, पर जंगल का व्यू बढ़िया। जैसे आपको दिख रहे होते हैं जो दूर से ऐसे जंगल दिख रहे होते हैं जिसमें लोग कहते हैं तो भालू हो सकता है, हम जंगलों के बीच में आगे। उसी में हम घूम रहे हैं, शायद यहाँ भालू भी होंगे, ऐसे मत बोलो यार। 100-200 मीटर के एरिया में टेंशन लेनी है। ये हमारा असली भालू, ये ऊपर इसने हमारे साथ ट्रैक कराया आज। ये भगाएगा अब, हैं? ये भगाते थे भालू को? नहीं, भालू तोड़ते होंगे इनकी, फाइट करेगा। हैं? लड़ जाता भालू से ये? पहाड़ी कुत्ता है, अभी तो इतना कॉन्फिडेंस है मेरे पास। हाँ। ये देखो ये अपने आप ही हैबिटेट में समा जाता है, घासें खा रहा है देखो ये कुत्ता, और मस्त खा रहा है चकाचक। ये आई थिंक इसलिए ट्रिप पे आया था, थोड़ा कॉकटेल, थोड़ा बिस्किट मिलेंगे, थोड़ी घासें मिलेंगी, सब मस्त अपना चलता रहेगा। नहीं ये खा लेते ना घासें आके कुत्ते, पर ज़्यादा नहीं ना, इनको मज़ा नहीं आता होगा। इसका सैलड होता होगा ये, जैसे बेमन से नहीं खाते हम लोग सैलड। नहीं चिड़िया ये हंसना तो नहीं चाहिए, पर वो जो आगे नहीं जा रहा अपना रिकू कुत्ता, ये फिसल गया था पता है अभी कि दोनों टांगें खुल गई बीच वाली ऐसे। यहाँ पे फिसला था इस पत्थर पे, और चुपचाप बिना किसी को बताया आगे निकल लिया, क्योंकि दोनों टांगे ऐसी हो गई थी बीच वाली, पता है पूरी पूछ करके खुल गई थी, फिर संभाला और चल लिया आगे। हो रहा है बोलना तो नहीं चाहिए। हमारे साथ वाले कमरे की में पूरी आवाजें आ रही है। अंकल आंटी में कलेश हो चुका है गंदा। फॉर्चुनेटली इस ट्रिप पे मेरा और श्रेया का एक भी नहीं हुआ है। हम एक दूसरे से बहुत इज्जत से बात कर रहे हैं एकदम। श्रेया और कुछ करेंगे, गौरव तुम बताओ तुम्हें कुछ और करना है? नहीं मुझे नहीं करना। अरे तो मैं कर देता हूँ। अरे नहीं मैं सैक्रिफाइस करूंगी। नहीं तुम करोगे। तो हमारा तो ऐसे चल रहा है अभी तक। पर पड़ोस वाले कमरे से फुल तुमने तुम्हारे चक्कर में इधर आई हूँ मैं, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। ये सब चल रहा है। बारिश शुरू हो गई सुबह का ट्रैक करने का। किस्मत की हमारी जो फंसे नहीं उसके। श्रेया तो दोस्तों फुट मसाज करा करके आ गई ट्रैक के बाद। ये बहुत क्यूट सा कैफे इधर खाना बदोश करके 2 महीने पहले खुला है और साउथ इंडियन खाने के लिए काफी फेमस है। एंड अपेरेंटली इनका खाना बहुत फेमस हो चुका है मक्लोडगंज में। अरे इधर धर्मकोट में ना, ही इज दी ओनर एक्चुअली। थैंक यू। फिल्टर कॉफी मिल गई हमें धर्मकोट में। और अभी दाबेली भी आएगी इनकी। अपेरेंटली दाबेली बहुत फेमस है। थैंक यू। तो अभी तक तुमने टेस्ट तो नहीं करी, इसकी तारीफ भी सुन रहे 2 दिन से हम लोग। Okay guys, so that was the end of today's vlog. I hope you like the vlog. If you like the vlog, do subscribe to the channel. सेम बात हर बार बोलता हूँ मैं। रंजीत भाई को फॉलो कर लो। हाँ उनका इंस्टाग्राम हैंडल मैंने डाल दिया है। और इन केस इफ इन फ्यूचर यू प्लान टू गो टू धर्मशाला साइड, इफ यू वांट टू डू दिस ट्रैक या फिर कोई और भी अगर आपको करने की इच्छा है तो ऑलवेज यू कैन टॉक टू हिम एंड टेक हिज सर्विसेज। सो थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक द व्लॉग। थैंक यू।